हेलो दोस्तों, अपने पास एक आइटम है शू क्लिप, जो कि इस तरह से शूज़ रखने के काम आता है। इसको आप इजीली लगा सकते हैं और इस तरह से शूज़ इस पे रख सकते हैं। रेगुलर साइज़ आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। हर तरह का शूज़ इस पे इजीली रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा अपना आइटम है, एक ही आएगा अपने पास, शॉर्ट में आएगा ये स्लीपर हैंगर। इस तरह से स्लीपर्स हैंग हो सकती है इस पे। और दूसरी आएगा ये लॉन्ग में आएगा, इसमें सैंडल्स वगैरह इस तरह से, और ये वॉकर्स भी इसमें हैंग हो जाती है। ठीक है, एक अपने पास ये रॉड आएगी इस तरह से स्टील की, जंग नहीं लगती इन पे किसी पे भी। और इस पे आप स्लीपर हैंग कर सकते हो, बेल्ट हैंग कर सकते हो, कैप हो गई, सॉक्स हो गए, इस तरह से सब हैंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना एक आइटम आएगा वैक्यूम। वैक्यूम जो है वो इस तरह से ग्लास पे लग जाता है, शूज हैंग करने के लिए काम आता है। देखिए, एक आइटम आएगा ये रॉड रहेगी पूरी। इसमें आप इजीली कुछ भी टी शर्ट्स हो गई, बेल्ट हो गए या स्लीपर्स वगैरह हो गई, इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रॉड आएगी। और दूसरा आइटम आएगा अपना, इसी का स्मॉल वर्जन आएगा, इसका थोड़ा डिज़ाइन भी अलग आएगा। इसमें भी आप सेम चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है, तीन आइटम अपने ये आएंगे। एक ये थोड़ा लाइट वेट आएगा प्लास्टिक में, ये उससे थोड़ा हैवी आ जाएगा, मोटाई अच्छी आएगी इसकी। और एक ये सबसे हैवी आ जाएगा, पूरा वुडन फिनिश आएगा और हैवी चीज़ आएगी, है ना। और ये ऊपर से इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, है ना। एक ये अपना सनग्लासेस स्टैंड आएगा, ये सिंगल वाला है, अपने को चारों तरफ वाला भी मिल जाएगा। एक काम है अपना ये कैरी बैग प्रिंटिंग का, ये पूरा कपड़े में आएगा, अच्छी क्वालिटी आएगी। और इसमें आप ड्रेसेस वगैरह पैक करके दे सकते हैं कस्टमर को। इसमें आप पूरा अपना शूज़ का बॉक्स आ जाएगा, दो साइज आएंगे इसमें। एक ही अपना आएगा एक्रेलिक स्टैंड, इस तरह से शूज़ इस पे स्टैंड हो जाता है। ये आइटम आता है एक्रेलिक में। एक ही आइटम आएगा, इस पे जीन्स वगैरह हैवी चीज़ हैंग कर सकते हैं।